हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। आज मैं नपुंसकता क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, लिंग में तनाव की कमी का कारण क्या है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस 3 ऐसी दवाएं बताऊंगा जिसे आप अच्छे मेडिकल स्टोर से ला करके अगर उपयोग में लाते हैं, हमें यकीन है आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता क्या है, एक मेल फीमेल से पुरुष स्त्री से जब संबंध के लिए जाता है, संबंध के दौरान लिंग में तनाव का बिल्कुल नहीं आना, कम आना या संबंध के दौरान धीरे धीरे घट जाना, नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण है पुअर ब्लड फ्लो। जब मेल फीमेल के पास जाता है पेनिस में, जब पुअर ब्लड फ्लो यानी पर्याप्त ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो लिंग में तनाव भी ठीक से नहीं आएगा और जो संसर्ग आप ज्वाइन ठीक से नहीं कर सकते। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं सेक्स की दुश्मन है, तो इनसे बचें। हार्मोन्स डिसबैलेंस, हार्मोनल गड़बड़ी अगर हो जाए आपके शरीर के अंदर तो भी ये सब गड़बड़ी हो सकती है। हार्मोन्स का मतलब क्या है? आँख देखता, माइंड सोचता, हु इज दिस, कौन है, पत्नी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, सिस्टर, मदर, कौन है। जैसे ही माइंड जज करता है सीज माय वाइफ, मेरी बीबी है, मेरी प्रेमिका है, बॉडी सेक्स की तरफ चली जाती है और ले कौन जाता है, वो हार्मोन्स। हार्मोन्स फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास का ब्लड सर्कुलेशन, फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास के डिस्चार्जिंग टारगेट, एक रात में एक बार संबंध हो गया, दूसरी तीसरी चौथी बार की स्थितियाँ, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में शुक्राणु आदि होगा जिसे फर्स्ट क्लास का रिस्पॉन्स मिलता है। कम बनेगा तो कम, नहीं बनेगा तो एकदम नहीं मिलेगा। हीमोसिसिस, बहुत से लोगों में क्या होता है, लिंग के ऊपर का जो कवर होता है ग्लांस से पीछे गया नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी जो फीलिंग्स, आनंद की अनुभूति ठीक से नहीं होती है, ये भी गड़बड़ी हो सकती है। रूम इन्वायरमेंट, अगर रूम इन्वायरमेंट अगर सही, साफ सुथरा आदि रहे तो भी माइंड एकदम रिलैक्स मोड में रहता है और संबंध ठीक से बना पाता है एक इंसान। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यह तीनों चीज़ें इतनी ज़बरदस्त सेक्स में कमी ला देती हैं, कहने की बात नहीं, तो आप इनसे बचें। स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, दिमाग में तनाव होगा तो लिंग में तनाव ठीक से कभी नहीं आएगा। एक्सरसाइज का अभाव, व्यायाम का अभाव, यदि हम एक्सरसाइज, मेहनत आदि, एक्सरसाइज आदि नहीं करते हैं, व्यायाम आदि नहीं करते हैं तो अभी हमारी बॉडी फिटनेस, शरीर कमज़ोर होगी तो भी हमें गड़बड़ी लग सकती है या समस्या आएंगी। वजाइना स्मेल, बहुत सी महिलाएं साफ सुथरा नहीं रहती हैं तो वजाइना से स्मेल आती है तो भी एक घृणा टाइप का लगने लगता है इंसान को, तो भी ये गड़बड़ी हो सकती है। मास्टरबेशन, 10-12 बरस के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन गलत तौर तरीके अपना लेते हैं जिसकी वजह से भी हमारी जो मसल्स हैं वे उसमें कमजोरी आ जाती है और हमें ठीक से सफलता नहीं मिलती है। मेडिकल इशू, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, एक शरीर के अंदर ये सब बीमारियां रहेंगी और इससे पर जो दवाएं चलाई जाती हैं वो बहुत ही कमजोरी ला देती है सेक्स में, या बॉडी स्मेल भी हो सकती है, बॉडी में सुगंधित रहता है, अच्छा माहौल रहता है तो भी हो सकता है। जो भी हो, हमने आज 3 दवाएं ऐसी है जो आपको उपयोग करना चाहिए और ये तीनों दवाएं साथ साथ लेनी है, ऐसा नहीं कि एक लेनी केवल, तीनों। तो पहली चीज़ है, एक अच्छे मेडिकल स्टोर पर मनमथ रस, क्या लेंगे, मनमथ रस, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले शहद से ले लीजिए या दूध की मलाई से ले लीजिए या गर्म पानी से ले सकते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, भोजन या नाश्ता से पहले लेना है। दूसरी चीज़ क्या ले रही है, प्रवाल पंचामृत बटी, प्रवाल पंचामृत बटी, इसको भी आप सुबह, दोपहर, रात, भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले ले लें। तीसरी चीज है सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण, ध्यान दीजिए, सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण बटी, एक सुबह, एक शाम, इसको भी आप आधा घंटा पहले ले लिया करें या इसको वही शहद या मलाई से। तो तीनों दवाएं सुबह, दोपहर, शाम लेंगे, केवल सिद्ध मकर ध्वज एक ऐसी चीज़ है जिसको केवल सुबह शाम लीजिएगा, हमें यकीन है ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। अगली चीज़ क्या करें, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट एक सिरप, एक लिक्विड आता है जिसको आप किसी भी अच्छी कंपनी का लाएं, 3 चम्मच 1 कप पानी में डाल दें 3 चम्मच, और उसको भोजन या नाश्ता से आधा घंटा बाद
या एक घंटे, मैं तो कहूँगा आधे 30-40 मिनट बाद ले लिया करें। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। इसके अलावा एक घंटा योग प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें आप। पर्याप्त नींद लें, नशा बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स आदि से दूर रहें। हेल्दी फूड्स फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करें आप। एक अलसी आती है फ्लैक्स सीड्स, इसको लाइए आधा किलो एक किलो भून कर रख लीजिए। एक चम्मच सुबह जरूर ले लिया करिए आप। तिल ला करके भून कर रख लीजिए, इसको भी ले सकते हैं। 10-12 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह चबा चबा करके खा लिया करिए। अखरोट ले सकते हैं आप 2-3 पीस। स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से बचें। मैं समझता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। चूँकि ये सब दवाएँ हैं, मेरी सलाह यही होती है कि एक बार रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक से संपर्क कर लें, या अगर आसपास रहते हैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ में के आसपास रहते तो डायरेक्ट आकर के मिल सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिलें, हमसे मिलें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सेक्स के अलावा कोई भी समस्या हो, शुक्राणु संबंधित, आपके निसंतानता से संबंधित, या शरीर में कोई भी जटिल से जटिल रोग हो, वात पित्त कफ से संबंधित, आप मिल सकते हैं।